जी नाजरीन, सुबेदा एतवेज तुहानू जी आयान आखने हैं और आज मादरी जुबान साडा टॉपिक है, तो मैं तो पंजाबी च गल करांगा। सिस्टर और आप मैं उर्दू में बात करूंगी क्योंकि मेरी मादरी जबान जो है वो उर्दू है। उर्दू है, और आपको बिल्कुल कितने लकी हैं कि आप कौमी ज़ुबान भी उर्दू है, मादरी ज़ुबान भी उर्दू है। तो नाजरीन, पंजाबी या कोई भी हम जो माँ बोली जिसे कहते हैं, हमारी माँ की ज़ुबान, मादरी जुबान उसमें हम क्यों इतना कतराते शर्माते क्यों हैं? कौमें जो हैं और कौम जो UNO की तरफ से या आलमी इदारे जो हैं, वो इस चीज़ को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जो मादरी ज़ुबान है, बच्चे की जो डेवलपमेंट है, बच्चे के आगे की जो ज़िंदगी है, वो बहुत ही अहमियत की हामिल होती है। अब हमारी माएँ बदकिस्मती से वो टूटी फूटी, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है, अपनी ज़ुबान बोलने से वो खुद ही घबरा रही होती, तो बच्चों का इसमें कोई कसूर नहीं है। वो ये सही कह रही होती, बच्चा रो मत, मैं दूध काढ़ के ला के उन्हीं, तो जो काढ़ना है वो पंजाबी का वर्ड है और मत रो वो उर्दू का वर्ड है। तो बच्चा जो है वो गड़मड़ हो गया है, उसे कोई पता नहीं मैं क्या बोलूँ। फारूक भाई, मैं जैसे सभी जानते हैं ब्रेडफोर्ड में रहती हूँ, तो मेरी अपनी ज़बान तो उर्दू है लेकिन ब्रेडफोर्ड में रहने वालों की पंजाबी कई कई किस्म की पंजाबी है। कोशिश भी मैंने की कि मैं सीखूं तो मैं सीख नहीं सकी। कोई हाँ, तुसा कहता है, कोई ये और कहता है, पाकिस्तान में बताऊं कि 74 ज़ुबानें माशाल्लाह बोली जाती, इतना माशाल्लाह। वसी इलाका है, हर इलाके का एक अपना अपना टेस्ट है ज़ुबानों का भी। तो वही बात कि जो जिनकी, लेकिन जो आप कह रही हैं ज़ुबान सीखनी, ये भी सलाहियत, ये रिसर्च बता रही है कि जिसको एक से ज़्यादा ज़ुबानें आती हैं उसमें एक इम्यून सिस्टम अच्छा होता है और दिमाग तेज होता बुढ़ापे है। में उसके लिए ये जहनी जो सलाहियत है वो कायम और दायम रहती है। जिसे कहते हैं ना कि बूढ़ा होकर बंदा थोड़ी सी दाएं बाएं हो जाता है, तो जिसको ज़ुबानें ज़्यादा होती आती हैं तो वो मेंटेन रखता है अपने आप की जो मेंटेन जहनी सलाहियत है। तो नाज़रीन, जो आज का सवाल है वो भी इसी से मुतालिक है। दुनिया भर में बोली जाने वाली 5 जो मशहूर ज़ुबानें, उनका आपने नाम बताना है। और ज़ुबानों की बात हुई तो कल परसों जैसे हम जिक्र कर रहे थे, बल्कि सुन रहे थे मौलाना साहब से, कि मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और आइमा मासूमीन अम्बिया, वो तो जानवरों तक की ज़ुबानें जो हैं वो जानते समझते थे, थे। जानते थे, हर दुनिया की ज़ुबान जानते आप थे। जानवरों की ज़ुबान की बात करें, कल इमाम हसन अस्करी अल्लाहुम्मा अलैहिस्सलाम का सल्ली एक अला वाकया कि मुहम्मद उनको वाले, किसी ने एक खत भेजा बगैर स्याही के, कुछ लिखे, अल्लाह ब्लैंक अकबर, खत, और उन्होंने उसका जवाब जो है, उसका नाम और वल्दिया सब लिख दिल के अंदर से के जान लिया। रिटर्न कर दिया। तो उनके करामात सुभान तो अल्लाह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जी, बेइंतहा कॉलर हमारे साथ करामात है भाई, हैं। बता रहे हैं। तो जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, माय नेम इज साहिर अली अब्बास, आई एम टॉकिंग फ्रॉम साहिर अली यूके। अब्बास। यू कांट स्पीक इंग्लिश, स्पीक उर्दू उर्दू और और पंजाबी, पंजाबी व्हाट्स योर मदर टंग? तुसानी मादरी जुबान की अम्मी केड़ी जुबान च गल करने ने? पारी पहाड़ी बोलो ना यार, तुसी की कह रहे हो? तुसी पारी नहीं, मैं कसीदा सुनाना चाहना, मैं ना सुनाने नाच चाहना, सुनाना ना चाहना, ऐसा ना गल सुनाने। करो ना यार, इंग्लिश बोलो, स्कूल लंच बोलो, सारा कुछ करो। आज दा दिन मादरी जुबान, बिस्मिल्ला सलाम, अल्लाहुम्मा बिस्मिल्ला, सल्ली अला मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा मोहम्मद सल्ली वाले अला मोहम्मद मोहम्मद वाले वाले। मोहम्मद। है तेरी वफाओं की अजब गाजी कहानी, है तेरी वफाओं की अजब गाजी कहानी, बचपन से सकीना की फिदा कर दी जवानी, है तेरी वफाओं की अजब बाजी कहानी, तूफान मज़हरा की दुआओं का सिला है, अब्बास तेरा नाम है, ज़ैनब की विदा है, अब तक तेरा ममनून है इस्लाम का बानी, है तेरी वफाओं की अजब गाज़ी कहानी, जहरा की लहद काफी, हैदर ने नजफ छोड़ा, रो रो के ये शाह बोले, मेरी कमर को भी तोड़ा, जब खून में तड़े की गाजी की पेशानी, है तेरी वफाओं की अजब गाजी कहानी। अल्लाहुम्मा अला मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली वाले अला मोहम्मद मुहम्मद वाजिल वाले। फरज। हम फारूक भाई, ठीक मैसेज मौजूद है हमारे पास, मिसेस जैदी का साउथ अफ्रीका से उन्होंने मैसेज किया था, है और जी, कोयटा के वाकये की वो पुरजोर मजम्मत भी करती हैं, और उन भाई के जजाकल्ला, लिए भी उन्होंने दुआएं की हैं जिनकी माँ की सेहत ख़राब थी, जी, उनको भी दुआ में याद रखा है, और कोयटा के तमाम शहीदों के लवाहिकीन को भी वो दुआ में याद रखते हैं, मिसेज जैदी साउथ अफ्रीका साउथ से। अफ्रीका से, जजाकल्ला बहन, बहुत शुक्रिया। और देखिए, इस बच्चे का
कि उसने अपनी ज़ुबान में बात की है, अप्रिशिएट किया। अगर हम मीडिया पे, ये भी होता ना कि ये घर वाले चले उसको डिस्करेज करेंगे, ओ ए ज़ुबान नहीं बोलनी, मेहमान आए ने तो तू की गाल करना पे, तो इस तरह का करें कि बच्चों में एहसास कमतरी होगा, पता नहीं ये मैं कोई जुर्म कर रहा हूँ। तो बच्चे अगर मीडिया में आके ये बात करेंगे मेरी माँ की ज़ुबान ये है, तो ये बच्चों को ये पता चले ये एबिलिटी है, ये स्किल है, मैं पहाड़ी भी बोल सकता हूँ, मैं उर्दू बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो ये एक स्किल है जो आम बच्चों में, यहाँ के बच्चों में नहीं है, वो सिर्फ एक ही ज़ुबान बोलते हैं। तो बच्चे अगर फ़ख्र के साथ ये बात करें कि आई नो 3 लैंग्वेजेस, तो उनमें ये महसूस होगा, अप्रिशिएट अगर हम बड़े करेंगे तो। जी अगले कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आज मदद। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम मौलानी जी, मदद, आज माशाल्लाह शाह साहब। जनाब मैं सैयद साबर हुसैन मंडी बाउजी पाकिस्तान से सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम मैं अस्सलाम। कोटा लव लव अली असगर की फौज ने पूरा बच्चों का साथ दिया, स्कूल के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे जो शहीद हो गए वो उनको अली असगर के बच्चे साथ देते, उसकी अली असगर की फौज बहुत ज्यादा थी, माथों पे पट्टियां माओ ने बांध रखी थी, और या हुसैन कह रहे थे लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पाकिस्तानी मातमी बेहाल वक्त सड़क पर नजर आए, माशाल्लाह या माशाल्लाह, अली मदद। मौला अली मदद शाह साहब, बहुत शुक्रिया अजम व हिम्मत और वरवले की, और जो एक बेदारी उसकी बात की शाह साहब ने, जजाकल्ला मंडी बहाउद्दीन से। और मंडी बहाउद्दीन भी मैं गया, और वहाँ भी बहुत ही मीठी सी पंजाबी बोली जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी बेटा, हमारे साथ जी, कौन, कहाँ से? सैयद हाशमी शाह ब्रेडफिल्ड से जी बेटा, कुछ पढ़ेंगे? जी, जी बिस्मिल्लाह, सलावात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुहम्मद मसल्ले पे मैंने अली का कसीदा गुनगुनाया सवेरे सवेरे, खुदा की कसम फिर इबादत का मुझको बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे, निकल कर हथेरों के नजरे से हो जब दरे शर पर आया सवेरे 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 सवेरे, तो जहरा के बेटे नेक पल में उसका मुकद्दर जगाया सवेरे सवेरे, मैं लायक ने जिस वक्त मत हूँ सना की फिजाओं में गूंजी सदाया अली की सदाया अली की, परिंदों ने भी अपनी बोली में नारा अली का लगाया सवेरे सवेरे, है मर्जी ये हसनैन मर्जी खुदा की अभी सैयदा के लबों पर दुआ थी, लबों पर दुआ थी, लिबासे जिनाने की रिजवान जन्नत ने दर कट कटाया सवेरे सवेरे सलावात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जीते रहो, सलामत रहो, बहुत इलाही शुक्रिया। आमीन। बहुत ही प्यारी आवाज़ में सैयदा शर्मिली अली शाह, जब भी आते हो बहुत खूबसूरत पढ़ते हो, ब्रेडफोर्ड से आप शामिल थे, और जो हमारे आज का, बच्चों का कल भी भरपूर हिस्सा रहा अच्छा और आज भी माशाल्लाह भरपूर हिस्सा रहा है, और छुट्टियाँ भी देखें हैं ये भी शायद माओ इनको, की बहुत बड़ी, हम कहते हैं इनकी तरबियत का हिस्सा तरबियत है ये है बच्चे। बिल्कुल। और माओ पे ये जो माँ बोली है ना, मदर टंग मदर है, टंग, ये माँ पे मदर बहुत टंग डिपेंड करता बहुत है कि डिपेंड, वो किस तरह अपने बच्चे को किस तरह रुझान में रखती है, ये कहाँ लेके जाती है, किस रास्ते पे वो डालती है। तो जो हिदायत फैमिली मेंबर्स के जो बच्चे हैं, जो जूनियर्स हैं, वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज़ में इसमें बात भी करते हैं, अपनी कसीदा नात जो भी है पढ़ते हैं।
कॉलर हैं तो आप जी आप बात मैं ये कहना चाह रही थी कि जब हम लोग साथ होते हैं गैदरिंग में तो हम इंग्लिश बोलना अपने आप को फ़ख्र महसूस करते हैं जी है। हमें इंग्लिश आती है और हम फ़ख्र महसूस करते हैं, जबकि जब हम सब एक पाकिस्तानी हैं या उर्दू बोलने वाले हैं तो हमें अपनी गैदरिंग में उर्दू बोलनी चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा नोट किया गया। आपको एक बात बताएं, बहुत ही मशहूर क्रिकेटर हैं, उन्होंने कहा अपनी एक बुक में कि शुरू में वो इंग्लिश बोलना नहीं चाहते थे और वो मैन ऑफ द मैच जब बने हैं तो वो कह रहे थे या अल्लाह मैं मैन ऑफ द मैच ना बनूं क्योंकि आगे मुझे इंग्लिश बोलना पड़ेगा। उसने लारा को उसने वेस्ट इंडीज़ की टीम की धजियाँ बखेर दी हैं, जो उसकी स्किल थी जिसके लिए वो खेल रहा था, तो वो ये कह रहा था कि पता नहीं अब मैं आगे जाके टोनी ग्रेग से क्या बात करूंगा, ये इंग्लिश नहीं बोलनी आ रही। तो एहसास कमती हम बहुत मजाक भी तो उड़ाते हैं ना, क्योंकि मजाक उड़ाते हैं, हम तमाशा ही बन जाते हैं, ओ फलां को ये जुबान नहीं आ रही, तो क्या हो गया भाई, चाइनीज को नहीं आती, यहाँ फ्रांस में जाके आप किसी दफ्तर में इंग्लिश जाके बोल के दिखाएं नहीं बोल सकते, जर्मन में जाके देखें। तो फिर ये हम में ये जो एक बुराई मैं कहूँगा इसमें एक एक कहने के हिसाब से कमती कहूंगा ये कोई अच्छी बात नहीं है, इसको और इसको लोग स्टेटस सिंबल समझते हैं इंग्लिश बोलना जी, कि इंग्लिश बोलना। कॉलर है उनसे पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुह। जज़ाकअल्लाह, हमारे साथ कौन कहां से? जी गुलाम रसूल अर्ज कर रहा हूँ। जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया भाई। गुलाम रसूल अर्ज कर रहा हूँ नॉटिंघम से। जी जी बिस्मिल्लाह गुलाम रसूल साहब। जी आपका प्रोग्राम सुन रहा था। मेहरबानी। जुबानों के बारे में बात थी तो इसमें दबी दबाई एक प्यारी सी पैगाम की लहर भी दौड़ रही है कि दूसरों की जुबान का एहतराम किया जाए, मोहब्बत की जाए, वो भी उनकी अपनी मादरी जुबान होती है, मेरी अपनी हो सकती है, आपकी अपनी है, और हर एक जुबान जो है वो जो गुलशन जिसे कहते हैं या बाग कहते हैं, रंग है, खूबसूरत रंग है, रंग के फूल होते हैं, सही बात, और उनमें मुख्तलिफ तरह की खुशबुएं होती हैं। उसी तरह जुबानों में भी एक खास किस्म का लगाव होता है हर एक का, इसलिए हम तो एहतराम करते हैं हर एक जुबान का, और खुसूसन वो जुबानें जिनसे हम अपने बहन भाइयों से रब्ता रख सकते। आपकी मादरी जुबान क्या है भाई? अरबी जुबान। आपकी अपनी मादरी जुबान क्या है? मेरी बहन अगर आप मुझसे ये सवाल करें कि मैं कौन हूँ तो शायद मैं ये जवाब ना दे सकूँ कि मैं किस मुल्क का रहने वाला हूँ। अच्छा, नहीं मादरी जुबान, मादरी जुबान है इसमें, टूटे फूटे और जो भी जुबान आई वो बोलते हैं। अच्छा। पंजाबी वो बोली कि मैं थोड़ी जी पश्तो भी एशनी, सिंधी भी बोल रहे हैं, उर्दू अच्छा। भी बोल रहे हैं, अंग्रेजी भी थोड़ी बहुत एशनी। अच्छा। कहने की बात यह है कि मेरी जबान मीरपुरी है, मैं मीरपुर आजाद कश्मीर से तलक रखता हूँ, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर है, माशाल्लाह। तो वहाँ की जो जबान है उसमें उर्दू की तरह इश्तराक है, सिंधी जबान भी उसमें है, पंजाबी भी है और पश्तो के और फारसी के अल्फाज भी हैं। बहरहाल छोड़िए इस बात को, मेरा पैगाम यही था कि आओ हम दूसरों की जुबान, उनके कल्चर, उनके फिरके, उनकी समझ, उनके मजहब का एहतराम करें, अपने मजहब को ना छेड़ें, इसको भी रहने दें, अपने बात रखें, एहतराम करें, मजहब पर चले, और सबूत लोगों को अपने किरदार से दें कि हम अच्छे हैं। और गुलाम रसूल साहब एक जो सवाल मेरे जहन में आ रहा है, अगर हम अपनी जुबान अपने कल्चर की खुद ही एहतराम नहीं करेंगे तो फिर ये क्या होगा, हम खुद ही कतराएंगे। वो इसीलिए मैं अर्ज कर रहा था कि सबसे पहले तो अपने माँ बाप की मैंने इज्जत करनी है, फिर किसी को मैं माँ बाप कहूँ, मामा कहूँ, चाचा कहूँ। अगर मैं अपने माँ बाप की इज्जत ना करूंगा तो दुनिया में किसी को कोई भी रुतबा दे दूं, दुनिया वाले एक दिन मुझे पहचान जाएंगे कि इसमें असलियत नहीं है। तो अपने मजहब का, अपने कल्चर का, अपने नबी का, अपने प्यारों का, अपने असलाफ का हम कदर करते हैं, यही तो पैगाम देना चाहते हैं मेरे भाई। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है ये तुम ही कहो। मैं पैगाम ये देना चाह रहा था कि आओ हम एहतराम करते हैं, और एहतराम मोहब्बत से किया जाता है, और मोहब्बत इखलाक का रिश्ता उस डोरी से जोड़ती है जो नजर नहीं आती मगर बहुत मजबूत होती है। जज़ाकअल्लाह। अगर इजाजत दें तो दो बंद शेर के पढ़। जी बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। न कलीम का तसव्वुर न ख्याल तूर सीना, न कलीम का तसव्वुर न ख्याल
आए तूर सीना मेरी आरज़ू मुहम्मद मेरी जुस्तजू मदीना मेरी आरज़ू मुहम्मद मेरी जुस्तजू मदीना। सुभान अल्लाह। मुझे दुश्मनों न छेड़ो मेरा है कोई जहां में, मुझे दुश्मनों न छेड़ो मेरा है कोई जहां में, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा नहीं दूर कुछ मदीना, मैं अभी पुकार लूंगा नहीं दूर कुछ मदीना, मेरी आरज़ू मुहम्मद मेरी जुस्तजू मदीना। अल्लाह सुब्हानहु तआला अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारों के सदके में हम पर करम करे और हम कलमा पढ़ने वालों को इत्तेहाद और अक्ल दे। आमीन। बेहतरीन बात है गुलाम रसूल साहब की नोटिंगम से। दूसरों की ज़ुबानों की भी इज्जत करें, दूसरे के कल्चर का भी एहतराम करें, लेकिन ख़ुद से हमारा फ़र्ज़ है कि अपनी ज़ुबान अपना कल्चर पहले हम वो उसका एहतराम करेंगे तो तब कहीं जा कर दूसरे हमारे कौमें जो हैं वो हमारा एहतराम करेंगी। जी अगले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई फारूक, क्या हाल ठीक हो? ओ माशाल्लाह बड़ साहब ठीक ठाक हो, मज़ा आ गया। उर्दू भी कोशिश बात इसने अपनी कोशिश है, मैं तो कोई इतनी हिम्मत भी नहीं करना, बहरहाल खुद आपू लिखना आपू पढ़ना, उस्ताद भी इसने मामले जमाना ही होने इंशाल्लाह। दुनिया ने जड़ी जमाना नहीं गाली है फारूक भाई, पहले तो असा उर्दू ना उर्दू बहुत बड़ी पूरी दुनिया बोली जानी, इंग्लिश बोली जानी, फारसी बोली जानी, मतलब पंजाबी बोली जानी, तो साड़ी जड़ी मादरी जबान है तो मैं बोलना है, लेकिन साड़ी जबान ने विच काफी सारी जबाना मिक्स हो गई हैं, लेकिन कश्मीर ने हवाले नाल जड़ी जिस तरह असा बहुत दफा आखड़े हैं ना फारूक भाई लोगों की असा कश्मीरी हाँ, तो लोग आने कश्मीरी बोलो हाँ है और असं जहर आचरी कोई नहीं, वो जी कश्मीरी जबान है खास प्रॉपर वादी विच बोली जानी सिर्फ श्रीनगर च, जाहिर है जम्मू ने विच भी पंजाबी बोली जानी, पहाड़ी बोली जानी, मुख्तलिफ जबाना ही साढ़े इलाके च, रावलाकोट जाओ उठी उत्थे और थोड़ी तर्ज नहीं है, मुजफ्फराबाद जाओ उठी बाग जाओ उठी उत्थे और तरीके नहीं है, मीरपुर वाले पासा थोड़ी जी उर्दू मिक्स ही है साड़ी उन्होंने मिलनी जुलनी, तो माशाला असानिया दुआवा ही फारूक भाई के पार परवरदगार असा कौम तशैया नहीं हिफाजत फरमाया, और जितना जुल्म फारूक भाई खुशियां ने नाल नाल गम ही है फारूक भाई बहुत बड़े गम है, बिल्कुल अल्लाह ताला का दुआ करने हैं कि पाक परवरदगार सारी मदद फरमान, इन जालिमों मुनाफिकों चोरों को पाक परवरदगार सकी महफूज रखन, इलाही बस चंद अल्फाज सलाम ने जी बिस्मिल्लाह पेश करता दुआ ना तालब हाँ कि अल्लाह पाक मारे बच्चों की मारी फैमिली की और खसूसी तौर पर एक दुआ फरमाया है कि अज रात मेरे मामू पिंडी विच उन्होंने ब्रेन एवरेज होया तो उन्होंने ऑपरेशन होया, करते हैं जिक्र वफा अहले जफा के सामने, करते हैं जिक्र वफा अहले जफा के सामने, हम चराग अपना जलाते हैं हवा के सामने, तब तलक हम हाथ फैलाते गदा के सामने, शुक्र खालक आगे मुश्किल कशा के सामने, छोड़कर हैदर को पहुंचे मुस्तफा के सामने, छोड़कर हैदर को पहुंचे मुस्तफा के सामने, चोर दरवाजे से जाते हैं खुदा के सामने, सामने कुरान है और बंद आंखें हो गई, सामने कुरान है और बंद आंखें हो गई, क्या यूं ही जाएंगे ये जालम खुदा के सामने, झुकते हैं काबा के आगे और नहीं इतना शऊर,
झुकते हैं काबा के आगे और नहीं इतना शहूर, झुकता है काबा मेरे किबला नुमा के सामने। वारस वारस से हैदर के हाथों वो भी तोड़े जाएंगे, वारस से हैदर के हाथों वो भी तोड़े जाएंगे, बुत जो मोहल्लों में हैं बैठे किबरिया के सामने। जाते हैं काफर के आगे हाथ फैलाए हुए, जाते हैं काफर के आगे हाथ फैलाए हुए, बांध कर हाथों को जाते हैं खुदा के सामने। तो फारूक भाई दुआएं याद रखे, अल्लाह ताला से सलामती तरक्की ता फरमाए, और माए कराम की अल्लाह पाक तरक्की ता फरमाए। देखिए फारूक भाई, मजे की बात यह है कि हमारी जबान तो उर्दू है, लेकिन हमारी जो अम्मी है और खाला है वो आपस में पंजाबी में बातें करती हैं घर में, या पूरा वक्त पंजाबी जो मैं समझ रही हूँ पंजाबी, वो इस वजह से कि मेरी अम्मी और मेरी खाला है आपस में पंजाबी बोलती हैं, क्योंकि वो पैदा तो ज़ाहिर है पंजाब, मेरे नाना आर्मी में थे तो वो पंजाब मूव हो गए थे, जो भी वो सर्विस वाले लोग होते हैं ना जिस इलाके में ट्रांसफर होती है उनके बच्चे या वो हो जाता है आर्मी में थे तो उनको वहाँ भेज दिया, तो वो वहाँ पली बड़ी हैं पंजाब में मेरी खाला हैं और मेरी अम्मी, तो वो अभी भी बात करती हैं घर में, तो वो आपस में पंजाबी में बात करती हैं या जहाँ भी होती हैं पंजाबी में, इस वजह से मैं आप लोगों की बातें समझ पा रही हूँ। जी देखिए, जो आजकल हमारे जो एक और बुराई है ना कि लिसानी तौर पे जो तासर पैदा किया जाता है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे सिंधी पंजाबी बलोची ये पश्तो बोल रहा है, ये उर्दू बोल रहा है, इसको मार दो, तो ये ग़ुलाम रसूल साहब वाली बात कि अगर हम दूसरे की ज़ुबान की इज़्ज़त नहीं करेंगे ना, एहतराम नहीं करेंगे ज़ुबान की, तो फिर हमें बहुत आसानी होगी कि हम दूसरे पे ये गलबा पाने की कोशिश करें कि ये, या किसी और दुश्मन के लिए बहुत आसान होगा कि वो हमें दस्तोगिरेबान करवा दे कि भाई ये आपकी ज़ुबान नहीं बोल रहा। तो भाई अगर वो आपकी ज़ुबान नहीं बोल रहा तो ये कोई जुर्म तो नहीं है, वो अपने इलाके की अपनी माँ बोली बोल रहा है, उसकी वो ज़ुबान को आज़ादी होनी चाहिए जो भी। और बड़ी हैरत की बात है, इंडिया में अगर देखा जाए बेशुमार ज़बानें बोली जाती हैं, लेकिन बाज़ इलाके ऐसे जिनको हिंदी भी नहीं, वो हिंदी में बात नहीं कर सकते ना वो समझ सकते हैं। जी जी, कई चैनल्स हैं वहाँ पे, और ख़ासतौर पे अब मैंने वो क्रिकेट की अगर बात करूँ, वहाँ का बहुत बड़ा स्पोर्ट्स चैनल है वो हिंदी कॉमेंट्री, क्योंकि अमूमन अब इंग्लिश में ही सारा कुछ हो रहा था, तो उन्होंने हिंदी ज़ुबान को कायम रखने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए, क्योंकि क्रिकेट एक समझे कि मज़हब का ही दो एक दर्जा है वहाँ पे, तो उन्होंने क्रिकेट की जो कमेंट्री है वो हिंदी ज़ुबान में रखी है ताकि लोग अपनी जो कौमी ज़ुबान है उसमें भी समझ पाएँ। तो अगले कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी शाह साहब, दोबारा जी मेहरबानी, बड़े अच्छे एक टॉपिक की तरफ याद कराई है। दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान मैंडरिन चाइनीज है, जो 1 बिलियन लोग बोलते हैं। वाह वाह। इंग्लिश दूसरे नंबर पे है, ये 508 मिलियन बोलते हैं। हिंदुस्तानी तीसरे नंबर पे है, ये 497 मिलियन। वाह वाह। स्पेनिश 392 मिलियन और रूसी 277 मिलियन। तो आज वो हमारा जो सब नॉलेज था वो किया तरह का तरह रह गया है। तो साहिर अली और इश्तियाक भट्ट ने जो अपनी जुबान में बात किया, दरअसल ये कश्मीरी होने के बावजूद कहते हैं कि वहाँ पंजाबी बोले जाते हैं। इश्तियाक भट्ट अजीज को क्या ये इल्म नहीं कि जम्मू श्रीनगर उधमपुर रियासी रजौरी कठुआ भद्रवाह किश्तवाड़ बारामूला ये सब इनमें कश्मीरी ही बोली जाती है, और मुझे यकीन है कि इश्तियाक कश्मीरी नहीं जानता, मैं जानता हूँ उससे ज्यादा। अच्छा, थोड़ा सा शाह साहब कोई कश्मीरी में बात कर दें थोड़ी सी। पाकिस्तान में अगर ये लफ्ज़ नागवार ना हो आपको तो बेजुबान ही है, इसलिए कि हमारी जुबान उर्दू होने के बावजूद जो दफ्तरी जुबान इस्तेमाल होती है वो अंग्रेजी है। सो जुबान के मामले में हम बेजुबान हैं। बिल्कुल, चलें शाह साहब तक आवाज़ नहीं पहुंची, मैं चाह रहा था क्योंकि कश्मीरी जुबान में भी वो बात करते तो उर्दू जुबान जो हमारी कौमी जुबान है। एक वाकया है जो हमारे तुर्की के जो वज़ीर आज़म है वो पाकिस्तान में आए, तो वो ये जो वज़ीर आज़म या सदूर होते हैं वो ये नहीं कि वो इंग्लिश नहीं जानते, लेकिन देखा कि जब भी कोई ऑफिशियल मुलाकात होती है, बीच में इंटरप्रेटर बैठा होता है, या जब भी अक़वामे मुत्तहिदा से ख़िताब करते हैं तो वो अपनी कौमी ज़ुबान में बात करते हैं या मादी ज़ुबान में बात करते हैं, ट्रांसलेटर उनके साथ खड़ा उनके साथ होता है। तो तुर्किश जो वज़ीर आज़म है वो आए और ऑफ द रिकॉर्ड जो उन्होंने बातचीत जारी थी वो इंग्लिश में कर रहे थे, लेकिन जब भी वो डाइस पे आए हैं तो उन्होंने अपनी जो भी लैंग्वेज है वहाँ की कौमी ज़ुबान उसमें बात की है। तो फ़ख्र के साथ हमने कौमों से तो वो अपनाए रखे हैं, हम में पता नहीं, वो जैसे दफ्तरी ज़ुबान बता रहे हैं कि इंग्लिश में ही सारा कुछ होगा तो बस सही है, वरना उर्दू ज़ुबान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नबैद होती जा रही है। हमारे बहुत ही मोहतरम उर्दू ज़ुबान में हमें बताते भी रहते हैं अच्छी अच्छी बातें भी नकवी साहब इस्लामाबाद से, उनकी कॉल का मुझे इंतज़ार है। वो देखते हैं, ताल्लुक भी इंडिया से है और बड़ी अच्छी उर्दू वो बोलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम फरूख भाई, बहन सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मुसी साहब, माजद मुसी बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुसी साहब। अरे रोजाना ट्राई करता हूँ भाई फरूख भाई, तरसता हूँ ओहो आपके साथ बात करने के लिए, आप सबके साथ। आप लोग कैसे हैं? सब अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। जज़ाकअल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह। आज जो है न्यूयॉर्क में एम्बेसडर के सामने पाकिस्तान के एम्बेसी के पास अच्छा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारी नुमाइंदगी वहाँ पे कर रहे हैं। इंशाल्लाह बस करते रहेंगे, इंशाल्लाह कामयाबी होगी, दुआ कीजिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं अपनी इबादत कर लेता हूँ। क्यों नहीं, क्यों नहीं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नारे तकबीर अल्लाह हू अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली, नारे खैबरी या अली, नारे सदरी या अली, दम दम अली अली, दम दम अली अली, हर दम अली अली, हर दम अली अली, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, हुसैनिया जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, हिदायत टीवी जिंदाबाद। शुक्रिया मेरे भाई, बहुत 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 शुक्रिया माजिद मुसी साहब, याली मदद। और आप लोगों के लिए जो न्यूयॉर्क या अमेरिका या कनाडा में लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत ही जल्द इंशाल्लाह जादू बॉक्स पे हमारी नशियात बहाल हो जाएंगी। उस दिन जादू बॉक्स पे नशियात बहाल हो जाएंगी, बहुत ज़रूरत है हिदायत टीवी को इस वक्त फंड्स की। और जैसा कि आपको पता है कि लबैक या महदी हमारी जो कैंपेन चल रही है, आपने आपको जल्द से जल्द कोशिश करें कि 313 की तादाद को आज ही पूरा कर दें। और बहुत मुअद्दबाना रिक्वेस्ट आपसे की जा रही है कि आप आगे बढ़ें। 92 पाउंड वक्त के इमाम के नाम मैं समझती हूँ कुछ भी नहीं है, और उनके बाबा की कल ही विलादत का दिन गुजरा है, तो इससे बेहतर तोहफा और कोई हम पेश नहीं कर सकते। तो आपसे गुजारिश है जल्द अज जल्द आगे बढ़ें और इसको जल्दी से कंप्लीट करें, ताकि जो मुश्किलात में हिदायत टीवी है वो जल्दी से बाहर निकले। और खुसूसन अमेरिका और कनाडा वाले इसमें ज़्यादा बढ़ें, अगर वो देखना चाह रहे हैं हिदायत टीवी तो उनको भी आगे आना चाहिए। बिल्कुल। एक बात और जो मुंशी साहब ने बताया, न्यूयॉर्क में आज पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने भी मुजाहरा होगा। तो देखिए बेदारी है, क्वेटा में जो लोग प्रोग्राम देख रहे होते हैं या पाकिस्तान में, तो वो ये ना समझिए कि जो दुनिया भर में मोमिनीन है या मुसलमान है, पाकिस्तानी है या इवन इंडियन जो मुसलमान हैं, वो भी हमारे मुजाहरों में शामिल होते हैं। तो इसमें आप ये ना देखिए कि आप अकेले हैं, जहाँ जहाँ भी ये लोग आते हैं वो उनको हम उनका चेहरा ज़रूर दिखाएँगे। तो अगले कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी बेटा, हमारे साथ कौन कहाँ से जी? अपना नाम बता दें। अलमास। अलमास क्या पढ़ेंगी, कुछ सुनाएंगी जी? कुछ पढ़ सो, कुछ सुना सो माँ जी। असर। जी बेटा दोबारा बोलो। असर। सूरह असर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बेटा। Bismillahirrahmanirrahim wa al-asr innal insana lafi khusr alladhina aamanu yusaqu watawassaw bil-haqq watawassaw bis-sabr। सुभानअल्लाह, जीती रहो बेटी। अरमान। अरमान माशाल्लाह माशाल्लाह, अलमास नहीं अरमान जी, माशाल्लाह क्या कहने, माशाल्लाह जीते रहो, खुश रहो, और इनकी पेरेंट्स को, इनकी माँ को हमारा सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीते रहो। और सूरह असर की आपने तलावत की है। और कोई अगले कॉलर है हमारे साथ? आज का जो हमारा टॉपिक है मादरी ज़ुबान माँ बोली, उस पर देखते हैं हमारे साथ अगले कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई। जी जी भट्ट साहब, माजरत के साथ दो बातें भूल गया फारूक भाई, बात कीजिए। खास तौर पे हमारे नकवी भाई हैदराबाद के, आप धमाकों की बात कर रहे थे, उसकी भी पुरजोर मजामत करते हैं फारूक भाई। अल्लाह ताला से दुआ वो है कि हम उन लोगों को मानने वाले हैं जिन्होंने इंसानियत की कदर सिखाई है फारूक भाई। तो दूसरी बात मैं भूल गया था, कल हमारे जिस भाई ने अपनी वालदा के लिए कहा था, इंशाल्लाह पूरी कौम पूरे मुसलमान जो सुन रहे हैं, इंशाल्लाह कल भी उन्होंने दुआ की थी, आज भी करेंगे। जिस तरह पे हम गुनाहगार जरूर हैं, लेकिन अल्लाह के हजूर उनकी वालदा के लिए जरूर दुआ करेंगे। लेकिन एक उन भाई के लिए मेरा एक पैगाम है कि क्योंकि हम इंसान हैं, एक ना एक दिन
खुदा की तरफ लौट के जाना है सही तो वही बस नमाज के दौरान ये अल्लाह से गुफ्तगू करें कि पाक परवरदगार जिस तरह तू बेहतर चाहता है वही कर। अल्लाह ताला उस भाई की परेशानी को दूर फरमाए। इंशाल्लाह जुमा की नमाज में दुआ भी कराऊंगा, पाक परवरदगार से दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। आमीन। और यही सब दुआ करें कि वो किसी तरह से अपनी माँ से मुलाकात कर लें, बहुत ही इस वक्त कठिन वक्त है उनके ऊपर, बहुत मुश्किल वक्त होता है। तो जी, और जो नाज़रीन आज जैसे शाह साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि दुनिया में बोली जाने वाली जो पांच जुबानें मशहूर या जो भी आपके इलाके में पांच जुबानें बोली जाने वाली हैं वो ज़रूर आप उस पर बात कीजिएगा। और इस इन दिनों को मनाने का क्या मकसद होता है, क्योंकि ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नापैद होती जा रही हैं। मादरी ज़ुबान की जो अहमियत है, वैल्यू है, वो हमने खुद ही बदकिस्मती से कम कर दी, और जितनी ज़रूरत हमें इसको उजागर करने की शायद दूसरी कौमें फिर भी अवेयर हैं इस चीज़ से, वो मरने नहीं दे रही, लेकिन हमारी कौम ने अपनी मादरी ज़ुबान के साथ, कौमी ज़ुबान के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं रवा रखा हुआ। एक और कॉलर। अस्सलामुअलैकुम जी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह अलैह। फरुख भाई जी, जी बिस्मिल्लाह। आपको भी बहुत बहुत सलाम, उज्मा बहन को भी बहुत बहुत सलाम। मैं क्वालिटी से मुजफ्फर बोल रहा हूँ। मुजफ्फर साहब, तो दुनिया में जहाँ कहीं भी हिदायत टीवी देखा जा रहा है, जो भी देखने वाले अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वाले टीवी देख रहे हैं, उन तमाम को मेरा बहुत बहुत सलाम और आपकी तमाम टीम को भी बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक, शुक्रिया। बस तो कुछ भी नहीं, वक्त लेना चाहता, लेकिन दो शहर आपको सुनाना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह। कि भाई ये जो जबान के बारे में आपने बताया, दुनिया में तो ज्यादातर तो एक तो उर्दू जबान है, इंग्लिश है, फारसी है, अरबी है, और कुछ बताए तो भाई पुश्तो है या क्या बोलते हैं आप। जबान तो बहुत सी बोली जाती है। मुजफ्फर साहब, आप घर में कौन सी जबान बोलते हैं? जबान है कि जो मतलब हर किसी को मतलब जबान वो आ जाती है। मुजफ्फर साहब, आप अपने घर में दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। बिल्कुल सही। शायद आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। इसीलिए डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा है कि भाई मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, तो दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मुकद्दर जिनके अच्छे और आला वक्त होते हैं, जिंदगी में उन्हीं के इम्तिहान भी सख्त होते हैं। बस दुआ में याद, और आप सबको बहुत बहुत मुबारक। मुजफ्फर साहब बहुत शुक्रिया, और बहुत माजरत कि मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पा रही थी। आपकी भी कोई मीठी मादरी ज़ुबान लग रही है जो उनका लहजा होता है, बल्कि तो आपकी आप बात सुनना चाहते थे कि जो भी कॉलर आए पहले अपनी मादरी ज़ुबान बताए कि हमारी ये मादरी ज़ुबान, एक आध जुमला ज़रूर बोल दें, क्योंकि हमने उन सबको एक लोगों को पता चले कि हमारे जो नाज़रीन हैं कौन कौन सी ज़ुबानें बोलते हैं जानते हैं। तो एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मोहतरम। हमारे साथ कौन, कहां से? डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अवान बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी जलेहरी मजूम शाह से। माशाल्लाह। अच्छा फारूक साहब, आज आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा टॉपिक है जी, जी। यानी जबान के मुतल्लक, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वही मुआशरे के लोग वही मोतबर और मोहतरम होते हैं जो और डॉक्टर साहब देखिए कि डॉक्टर जो होती है अपनी जुबान पे फख्र करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब जो मैं चाह रहा हूँ कि जैसे डॉक्टर पहली बार जो मरीज को बीमार होने की जो चेक करता है वो कहता है अपनी जुबान निकालो, तो जुबान से बीमारी का पता चलता है तशखीस के लिए भी। तो हमारी जुबान उस हवाले से बीमार है, ये भी बीमार है, तो हमने अपने आप को थोड़ा सा तंदुरुस्त करना है। जी बिस्मिल्लाह। जी जी बिल्कुल, इस बात है बिल्कुल, ये बात है। जी 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 बात जारी रखें। हाँ हाँ जी जी। अच्छा चलो, मैं थोड़ी, हम घर में चूंकि पटवारी बोलते हैं, बोलो बोलो, तो मैं थोड़ा सा आपको पटवारी का तारफ करा देता हूँ। माशाल्लाह आप भी जानते होंगे पटवारी के मतलब, पाकिस्तान की बहुत बड़ी जबान है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा थोड़ी देर पहले आपने चूंकि राजा परवेज अशरफ के बारे में आपने कहा था कि वो फंड वगैरह और सारा कुछ उन्होंने अपनी तहसील गुजर खान में काफी लगाया है, तो ये मैं पटवारी में आपसे बात कर देता हूँ। सही है, सही है। अच्छा फारूक साहब, गल इस तरह ये जी कि साढ़े राजा साहब जो तहसील गुजर खान वजीर आजम बने ने, सानू बड़े अरसे तो
सानू मुस्तरद किया जा रहा है, यानी साड़ी कोई मतलब किसी किस्म का इतना तरक्की का काम नहीं है साढ़े बुजुर्ग खान के। अच्छा, ये साड़ी खुशकिस्मती समझो कि अल्लाह की जात सानू मौका देता है कि साढ़े राजा साहब वीर आजम बने ने, ते हुण अल्लाह नू लख लख शुक्र है कि साड़ी तहसील का वाकई से कोई शक नहीं बहुत कम होया। अच्छा, माशाला तरक्की ने बहुत कम होए जिन्होंने साडा ग्राम ही बिल्कुल जलियारी मौजम शाह जरा रावलपिंडी को तकरीबन 20-18 मील ने फासले पे आ। बिल्कुल सही। ते इसलिए जी गैस माशाला गैस जी पाइप हो गए ने, कल इंशाल्लाह पता होने। बड़ी अच्छी गल है डॉक्टर साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਨਕੀਦ ਥੋੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤਸੀਲ ਦਾ ਗੁਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਵੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਚਲੇ ਆਪ ਫੋਨ ਰੱਖੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਕਈ ਸਾਲੋਂ ਸੇ MNA ਵੀ ਹੈ, ਤੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇਗਾ ਤੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਆ कि कोई भी MNA या कोई MPA कोई काउंसलर आपने लोगों के काम आता है। चकवाल में जो वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह से आपका जो जहां पर वो पैदा हुए थे, जहां प्राइमरी स्कूल में इंडियन वज़ीर आज़म है, वहां पर मैं एक दिन खबर दे रहा था कि वहां उन्होंने सोलर सिस्टम कोई ऐसा निज़ाम भेजा जहां पूरे पाकिस्तान लोड शेडिंग से डूबा हुआ था, लेकिन चकवाल का वो गाँव जहाँ मनमोहन सिंह पैदा हुए, प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर, वहाँ पर उन्होंने गलियाँ भी पक्कियाँ कराई हैं, अपने डोनेशन जो हैं वो वहाँ पर उन्होंने दी हैं। तो मनमोहन सिंह ने उन्होंने उधर से वोट नहीं लेने चकवाल से, आपसे राजा साहब ने वोट भी लेने, तो कोई एहसान नहीं किया ये उन्होंने अगर आप पे, और ये इंतजार भी ना समझा करें कि वो कोई वजीर आजम बनेगा तो कोई हम पे एहसान करेगा। उन्होंने अपने रास्ते जो हैं वो पक्के किए होंगे, लेकिन हमने हर MNA हर MPA से पूछना है कि भाई आपने क्या किया जी। और वही बात है कि अपने इलाके का काम कराना कोई बहुत बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने कराया, आप लोग खुश हैं उनसे, ये भी बड़ी बात है, बहुत ही चीज़। लेकिन और भी तो पाकिस्तान के शहर हैं, और भी तो जगह है, अगर वो वजीर आजम है तो फिर उनको इंसाफ करना चाहिए, उनको सब जगह काम कराना चाहिए। लेकिन वही बात, वजीर आजम हर इलाके के MNA भी है ना। अब जुबान की बात करें, 74 हमारे MNAs ऐसे रहे इन 5 सालों में, उन्होंने जुबान तक नहीं खोली, तकरीर तक नहीं की डाइस पे आके कोई हमारे हल्के को मसला। लेकिन ये पॉजिटिव बात भी है कि चलो किसी ने तो तारीफ करी, पर इंतजार करते रहे कि कोई हमारा आए और हमारे हल्के का वजीर आजम बने। हमारे इलाके में शुजात साहब बने थे, 40 दिन के लिए बने थे, और फिर शौकत अजीज का तोहफा दे के गए थे। तो इंतजार करते रहते हैं, 400 तकरीबन हल्के हैं, तो वो वजीर आजम बने तो कहीं जाके हमारी बारी आए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक, को बेटी को हमारे बहुत बहुत सलाम। जी जी नकवी साहब, तमाम हिदायत टीवी वालों आपका बहुत शुक्रिया। नकवी साहब आपने कॉल की और आप ही को हम याद भी कर रहे थे। मेरा सलाम। वालेकुम फारूक साहब, आपने जो तस्वीर दिखाई जी जी वो बहुत ही अफसरदा करने वाली थी। बिल्कुल। और उसके ऊपर मुझे बेतहाशा और फौरन ही मुझे वो शेर याद आ गया कि फूल तो 2 दिन बहारे जहाँ फिजा दिखला गए, हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। ये बेचारे बिन खिले जो मुरझा गए थे, इनका बहुत ही अफसोस होता है। जैसे आपने कहा था, खातून और बच्चे जब मरते हैं तो और भी ज्यादा अफसोस होता है, हर एक का अफसोस होता है, लेकिन इन दोनों का बहुत ज्यादा होता है। मैं ज्यादा बात नहीं कर सकूंगा इसलिए कि हमारे यहाँ रिसेप्शन बहुत खराब है। अच्छा। और बार बार जो हमारा स्क्रीन है वो बिल्कुल ब्लैक आउट हो जाता है। अच्छा। आपने जो खबरें पढ़ी और उसके ऊपर जो आपने अपना एहसासात का जिक्र किया, मैं उसकी तारीफ के बगैर नहीं रह सकता। नहायत ही आला किस्म के आपके एहसासात थे, आपके कॉमेंट्स बड़े बहुत ही अच्छे थे। अच्छा। और ऐसे कॉमेंट्स थे जिनके लिए अंग्रेजी में सिर्फ एक ही लफ्ज है, वो है एप्ट, नहायत ही मुनासिब आपके जो थे, तो मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूँ। ये तो आपकी तरफ का हुआ। और उज़्मा बेटी, आपने बड़ा अच्छी अच्छी बातें बताई, खासतौर पर जैतून के तेल के मुतालिक, और आपने रसूल पाक की जो बताई हदीस फरमाई उसमें ये आपने बताया कि साहब वो जब बाहर निकलो तो उसमें कई चीजें बताई, उसके अंदर एक चीज आपने कही थी कि ये कहो तवक्कुल इलल्लाह। अच्छा, मेरी तस्वीर कर दीजिए, मैं जरा बुढ़ा तोता आदमी हूँ तो जरा मेरी कुछ गलती हो सकती है। हम अब तक तवक्कुल तो अल्लाह कहते रहे हैं, अभी तो मैं नहीं जानता, लेकिन अल्लाह के मानी ऊपर के हैं, और तवक्कुल तो अल्लाह हम इसलिए कहते आए कि हम इसके मानी ये समझ रहे हैं कि खुदा के ऊपर तवक्कुल है। और इलाह का लफ्ज जो है वो आमतौर के ऊपर तरफ या सिंध की तरफ इशारा करता है, जैसे हम कहें कि इला मस्जिद हराम यानी खाने काबा की तरफ। अब आप जरा देख के जरा प्लीज मेरी तस्वीर कर दीजिएगा, मुझे बड़ी जरूरत है, मैं खुद तो निगाह की खराबी के साथ आप जरा अगर बता दीजिएगा कि ये लफ्ज इला है या आला है, और मैं ममनून होऊंगा।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। चले बहुत शुक्रिया। और शायद आपने जैसे बता रहे सिग्नल्स का मसला है, तो वो हिस्सा जिसमें हमने आपकी बात भी की थी वो मिस कर दिया, और जिसमें आपके कमेंट्स भी चाहिए थे कि जिस ज़ुबान के हवाले से, मादरी ज़ुबान के हवाले से आप कुछ मज़ीद रहनुमाई कर देते कि हम क्यों घबराते हैं अपनी मादरी ज़ुबान बोलने में, उर्दू बोलने में, तो इस पर आपके कमेंट्स चाहिए थे। तो अगर आप दोबारा भी आ सकें नकवी साहब, या कल के किसी या अगले किसी प्रोग्राम में, तो ये आपकी राय हमारे लिए बहुत ही अहम होगी। आपने तारीफ़ की है, बस वही है कि दिल का हाल ही है, जो आपके दिल में है वही हम सब के दिल में है, और जो लोग अभी अभी कहीं जकड़े हुए हैं उनको निकालना है वहाँ से, और ये बहुत अक्सरियत जकड़ी हुई है, कोई फ़िरके में जकड़ा हुआ है, कोई सियासी जमात में जकड़ा हुआ है, कोई लिसानियत में जकड़ा हुआ है, वहाँ से उठ के थोड़ा सा ऊपरी सतह पर आए, देखे और देखे कि क्या है, आवाम क्या होती है, जमहूरियत क्या होती है, तो यही कोशिश है हमारी। अगले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बहन जी, आप हमारे साथ हैं, बात कीजिए, आप हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आप हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। उनको आवाज़ बहन की टीवी का वॉल्यूम ज़्यादा था, बहुत माजरत कि आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। बहन जब भी आप आएँ तो टीवी से न सुने। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मोहसिन नकवी साहब। फारूक भाई, मोहसिन नकवी बोल रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारी बहन का भी सलाम हो। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बड़ा अच्छा आज का टॉपिक है जुबान के हवाले से। जी तो फारूक भाई, बात यह है कि मादरी जुबान, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो बड़ी ही प्यारी होती है, और उसको सीखना भी चाहिए, बच्चों को भी बताना चाहिए कि ये हमारी मादरी जुबान है। मगर आजकल जो है ना, जो सिस्टम जा रहा है वो बहुत ही कम घरों में जो है ना, वो मादरी जुबान भी बोली जाती है। बहुत कम घर है जहाँ माएँ जो हैं या बाप हो, वो अपने बच्चों को अपनी जुबान बताते हैं, सिखाते भी हैं, मगर अक्सरियत में वो अपने घरों में ये तालीम अपनी मादरी जुबान जो है वो नहीं दे रहे हैं। इंग्लिश पर ही जोर रखा हुआ है, क्योंकि हम हमारे जो बड़े थे ना, सीधी सी बात करूं, वो गुलाम थे, और ऐसी हुकूमतों में उनकी पैदाइश हुई है कि जिनके ऊपर वो ये लोग जो है वो सरबरा सोच है गुलाम, तो वो जो सिस्टम है वो अभी तक घरों के अंदर चल रहा है। यानी हम आजाद हुए ही नहीं अभी तक। जी? हम अभी तक आजाद नहीं हुए। वैसे नाम क्या आजाद है? जहनी तौर पर आजाद हुआ, ना फिजिकल तौर पर आजाद हुआ, ना मानसिक तौर पर आजाद हुआ, ना फिजिकल तौर पर आजाद हुआ, फर्क वही, बल्कि और फंसते जा रहे हैं। जी बिल्कुल सच्ची बात। सूरत हाल बन गई है। वो आपने शुरू में एक बात कही थी कि नुसरत फतेह अली की कवाली अगर किसी घोड़े के मुख से वो गाद लेकर आ जाए, तो उसको तो हम सारा दिन रात गाड़ियों में, घरों में, महफिलों में लगाए रखेंगे, मगर अगर अपने मुल्क के अंदर ही कोई बंदा कोई ऐसा अच्छा काम करे तो उसको कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता। ये यानी सूरत हाल पांच हो रही है। और इससे बड़ी और बदबख्ती क्या है, आप अभी वो शाह साहब ने कहा था कि हमारे दफ्तरों के अंदर भी अभी तक यही जुबान चल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी एक मैट्रिक पास बंदा जो होगा पाकिस्तान में, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, हालांकि वो लिखना पढ़ना जानता है, अच्छी खासी वो लिख पढ़ सकेगा, मगर जब तक उसको वो अच्छी खासी इंग्लिश नहीं जानेगा, उसकी कोई अहमियत नहीं। मैं एक छोटा सा वाक्य बताकर आपको खत्म करता हूँ फारूक भाई। मैं क्योंकि हमारा इस्लामाबाद का तलक है, आई नहन का एक इलाका है, वहाँ एक कॉलेज भी बना हुआ है। मैं वहां से जा रहा था, आगे देखा तो बंदे खड़े थे, एक एक्सीडेंट हुआ था, तो वो एक लड़की थी, उसको बेचारी को ड्राइविंग में सही नहीं आ रही थी, उसने किसी लड़के की मोटर बाइक को ना वो मार दिया, उसको एक्सीडेंट कर दिया। अच्छा। पुलिस वाला आ गया, वो लड़की वो बाहर खड़ी है, वो यकीन जाने कि वो उर्दू में बात नहीं कर रही, वो इंग्लिश में बात कर रही है, और पुलिस वाला उसकी इंग्लिश के मजाक पर होकर उस लड़के को डांट रहा है। ये सूरत हाल बनी, हालांकि वो लड़की उसकी भी लड़की की थी। तो ये इंग्लिश जो है वो हमारे मुल्क या हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर इतनी रच बस चुकी है कि हम हमारा वही है कि इतनी सफे कमतरी का शिकार हो गए हैं कि इंग्लिश से अगर कोई दो चार लफ्ज़ बोल देता है ना हमारे सामने, तो हम बस हमारी वहीं पे वो जान से निकल जाती है, पता नहीं ये तो कोई बहुत बड़ी बला है, ये पता नहीं है इसका कोई बहुत बड़ा पीछे हाथ ना हो। तो ये सूरत हाल है। तो हमें सबसे पहले
अपनी जुबान को जो है अहमियत देनी चाहिए, ठीक है, बाकी जुबानों को भाई साहब ने कहा एहतराम हो, एहतराम अपनी जगह वो करना चाहिए, और जुबानें सीखनी भी चाहिए, ये भी नहीं है, हर जुबान को सीखनी चाहिए जिस इलाके में आप हैं वो सीखनी चाहिए, ज्यादा अहमियत है। सही बात, सही बात है, बहुत ही अच्छा मैसेज के एहसास कमतरी का नहीं शिकार होना चाहिए, और बल्कि कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए अगर आप सही से इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी जुबान नहीं है ये, कोई इसमें शर्मिंदगी की बात नहीं है। नकवी साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया, गुलामाना सोच जो है, गुलामाना अभी हम नाम के आज़ाद हैं, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया, ये जुमला हम पढ़ते हैं पढ़ते आएंगे, लेकिन सही तौर पर हम वाकई आज़ाद हुए या नहीं हुए, ज़हनी तौर पे ये जो इस तरह की चीज़ें, ये बुनियाद है, ज़ुबान हमारी बुनियाद है, जब वही है उससे ही हम प्यार नहीं करेंगे तो माँ धरती तो वो दूर की बात रह गई। इसी वजह से दुश्मनों का हमें ट्रैक से हटाना वो बहुत आसान है, हमारी जड़ें बहुत कमज़ोर होती जा रही हैं ज़ुबान के साथ, हमारे तहजीब के साथ, तमद्दुन के साथ, और ये जो हमारा कल्चर है, जो दीन है हमारा, इससे हम दूर होते जा रहे हैं, तो इस चीज़ को अपनाएँगे तो फिर कोई हम जम के खड़े रहेंगे और कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकेगा। तो बहुत अच्छी बात है, आज़ाद ज़हनी तौर पे भी होना होगा और माशरती तौर पे भी होना होगा। अगले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, या अली मदद करो, मौला अली दुआएं आपकी। भाई हमारे साथ कौन, कहां से? जी खबर अली काजमी हैरो से बोल रहा हूं। जी शुक्रिया काजमी साहब जी, तो जुबान के वाले से एक दो मेरे हैं, बात कीजिए, पढ़ूंगा जी जी। एक्चुअली एक दफा, मेरी खुद जुबान तो पंजाबी है, लेकिन ये कि एक दफा इधर मुझे जहाँ तक इलम है कि यहाँ इमाम खमीनी साहब आए थे या अली सस्तानी साहब आए थे, कोई उन्होंने यहाँ कहा था कि अपने कल्चर की अगर आपने हिफाजत करनी है ना, हाँ। तो आप अपनी जुबान को बोलो, वो जुबान मत छोड़ो, अगर आपने अपने मजहब दीन कल्चर को हिफाजत करनी है तो अपनी जुबान मत छोड़ो, उन्होंने ये कहा था इधर इंग्लैंड में आए थे, और वाकई बात ठीक है, अपनी जुबान जो है, जैसे उर्दू में आप कहते हैं आप, उर्दू में इंग्लिश में कहते हैं यू, तो आपको पता चल जाता है डिफरेंस कि कितना वो रूट वर्ड यूज होता है, जैसे डैड यू कम है, बाप चीजें आप इधर आ जाए, वो अपने तहजीब में वो उनके लिए ठीक होंगे लैंग्वेज के हिसाब से। जी हाँ, तो दूसरा ये मेरा एक क्वेश्चन भी है जी, एक क्वेश्चन ये है कि मुझे कल परसों यही जहन में आ रहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है जी, तो उर्दू क्यों नहीं बोली जाती या अरबी क्यों नहीं बोली जाती, इसकी क्या वजह है? सही, या अगर आप इसका कुछ साइंटिफिकली कुछ बता दें, क्योंकि जहां भी जाएं आप, श्रीलंका जाएं वो इंग्लिश में बात करेंगे, बांग्लादेश जाएं वो इंग्लिश में बात करेंगे, उनकी लैंग्वेज हम, वो हमें कम्युनिकेट नहीं कर सकते, हम उनको कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो हमें इंग्लिश में ही बात करना पड़ती है, बनिस्बत उनकी लैंग्वेज या हमारी लैंग्वेज क्यों नहीं हम बोल सकते, इसकी क्या वजह है? बिल्कुल सही, जज़ाकअल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया। बस ये वजह हम खुद बैठे हुए हैं भाई, और ये हमारा जो माशरा है, जैसे आज़ादी की बात की है, गुलामाना सोच अभी गई नहीं है, इंग्लिश बहुत अच्छी लैंग्वेज है, सारा जो भी यहाँ का निज़ाम है, या क्योंकि यहाँ की मुकामी ज़ुबान है, ये हमें सीखनी है, इसके बगैर चारा नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान में लोग रहने वाले हैं, उनके लिए उनकी ज़ुबान कितनी अहमियत की हामिल है, और हमारे घरों में ख़ासतौर पे हमारे बच्चों के लिए हमारी मादरी ज़ुबान, और एक बुज़ुर्ग शख्सियत का आपने हवाला दिया कि अगर अपनी आपको कायम रखना चाहते हो तो अपनी ज़ुबान को ना छोड़ो। और दूसरी बात यह कि एशिया में अगर इंग्लिश का देखा जाए कि बहुत ज़्यादा और कोई ज़ुबान नहीं है, इसलिए कि हम लोगों के सिलेबस में देखें, हमारे स्कूल में कोर्स में इंग्लिश कंपलसरी है, कई बच्चे छोड़ जाते हैं, स्कूल ही छोड़ जाते हैं कि उसको समरिया याद नहीं है, तो एशिया में कहाँ पर भी जहाँ पर भी तालीमी निज़ाम है वहाँ इंग्लिश कंपलसरी है, कोई और ज़ुबान नहीं है, ना चाइनीज़ है, ना जैपनीज़ है, ना कुछ और है, इंग्लिश हमें पढ़नी ही पढ़नी है, और अरबी जो है वो भी हमने एक जगह रख दी है गलाफों में छुपा के कि ये कुरान पाक की है, और हमें बिल्कुल सही बात है, तर्जमा तक नहीं पता होता, और कुरान पाक कोई भी तर्जमे से पढ़ लें तो बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं। कल हमारे मेहमान आए थे हुसैन भाई, तो उन्होंने बताया कि कराची में कानून था कि फारसी और अरबी बोली जाए, जो वो बोलते हैं अरबी और कानून, तो अरबी और फारसी, तो कराची में किसी दौर में वो कह रहे थे ये कानून था कि हमारे सिलेबस में मौजूद थी, पढ़ाई जाती थी, अब वो खत्म हो गई है, इस वजह से उनको आज वो अरबी भी बोल रहे हैं, फारसी भी बोल रहे हैं, इंग्लिश भी बोल रहे हैं, तो ये सिलेबस जो होता है उससे बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल सही। अगले कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, मैं मुदसरा बात कर रही हूँ सोलियुल से, आपको रुजमा बहन दोनों को बहुत बहुत सलाम, वालेकुम सलाम, मुबारक हो, शुक्रिया। और आपके टॉपिक के हवाले से बात करना चाहूंगी, आंसर देना चाहूंगी आपके क्वेश्चन का, कि पांच जो जुबानें दुनिया में बोली जाती हैं ज्यादा वो हैं स्पेनिश, इंग्लिश, चाइनीज, अरेबिक और हिंदी,
ठीक है। और यहाँ यूके में जो ज्यादा बच्चों को सिखाई जाती है या पढ़ाई जाती है वो इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज, फ्रेंच और जर्मन है। और अपनी जबान की बात करूंगी कि सबसे मीठी जबान तो मुझे अपनी उर्दू ही लगती है, जैसे बचपन से, और शायद हर शख्स को अपनी जबान इसी तरह अच्छी लगती है। इंसान कंफर्टेबल फील करता है अपनी, जो जैसे कि मैं भी सोचूं, मुझे 13 साल हो गए यहाँ आए हुए, 99 में मैं आई थी, तो इंग्लिश भी सीखी है, कोर्सेज भी किए, स्टडी भी यहाँ की, सब कुछ किया, लेकिन अभी तक मजा अपनी जबान में बात करने में और या लिखने में ही आता है, और कोई जबान दूसरी जो है अच्छी नहीं लगती। और पाकिस्तान में जब कॉलेज के टाइम में मैंने फारसी पढ़ी थी, लिखना, जैसे लिखना पढ़ना सीखी थी, और वो उर्दू के बाद में जैसे कह सकती हूँ कि वो मुझे बहुत मीठी जबान लगती थी उसमें, और बहुत उसमें नॉलेज था, काफी हकायतें थी और सब कुछ, तो बहुत कुछ उससे भी सीखने को मिलता है। और अरबिक तो खैर हम जाहिर है कुरान पाक पढ़ना सीखते हैं, तो फिर लिखना भी और थोड़ा बहुत जो वो, लेकिन उस तरह से जैसे आना चाहिए वैसे नहीं हम सीख पाते। और कॉन्फिडेंस की बात करूंगी कि वाकई अपनी जुबान से कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है, और जब इस मुल्क में आते हैं, मैंने अपने बच्चों को भी कोशिश की उर्दू सिखाने की, और जहाँ तक इंग्लिश की बात है वो भी सीखना पड़ती है, और अक्सर यहाँ के जो बच्चे हैं वो समझते हैं कि हमें अगर इंग्लिश हमारी अच्छा हम बोल लेंगे, एक्सेंट हमारा अच्छा होगा, तभी हम अच्छे शहरी हैं, और क्योंकि हम उर्दू के लहजे में इंग्लिश बार-बार बोलते हैं तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है जब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, या उड़ाना तो नहीं चाहिए, जाहिर है हमारा एक्सेंट वैसे नहीं हो सकता जहाँ जो यहाँ के लोगों का है, लेकिन फिर भी हम कोशिश तो करते ही हैं। खैर, कोशिश करनी चाहिए। और आखिरी बात मैं आपको एक जोक सुनाना चाहूंगी इंग्लिश जुबान के हवाले से, जो मेरे साथ हुआ था कि जब मैं पाकिस्तान में कॉलेज में पढ़ती थी, हॉस्टल में रहती थी, तो वहाँ चौकीदार था, तो उसको मैंने एक बुक का नाम लिख के दिया, गुड बाय मिस्टर चिप्स उसका नाम था, वो स्कूल कॉलेज में हमें पढ़ाया जाता था, और उसके राइटर का नाम था जेम्स हिल्टन। सही। और जब वो लेकर आया, वापस आया बाजार से, तो उसने एक चिप्स का बैग उठाया हुआ था और उसने मुझे आके कहा, बाजी चिप्स तो मिल गए हैं, जैम नहीं मिला, जैम तो मैं कल ले आऊंगा। चले। तो आज ही मुझे हंसी आती है ये जोक सोच के, तो हंस हंस के बुरा हाल हो गया, और अब भी सोचती हूँ तो बहुत हंसी आती है। तो खैर, ऐसी भी जाहिलियत या कम तालीमी होनी चाहिए कि आप बिल्कुल ही समझ ना सके, मतलब मैं सोचती हूँ कि उसको खुद भी पढ़ना नहीं आया, और जिस शॉप पे वो गया वो शख्स भी इस काबिल नहीं था, उसने उसके बुक की बजाय उसके हाथ में चिप्स थमा दिए। तो चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह। और सही, बहुत अच्छा मैसेज दिया कि ऐसा भी होना चाहिए कि बिल्कुल बोलनी ही ना आए। जी बिल्कुल, ये हमारी ज़ुबानें हैं और इस पर फ़ख्र ज़रूर करना चाहिए। पहली बात तो शायद हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और एक तकाजा जो वेस्ट में या किसी भी मुल्क में बंदा जाता है, किसी इलाके में भी जाता है, तो उसकी ज़ुबान भी आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर भी अगर आपने कोई नेशनलिटी वगैरह लेने, लाइफ इन यूके टेस्ट और ये तमाम चीज़ें, ये कौमें क्यों हमें कहती हैं कि भाई आपने अगर यहाँ आने तो इंग्लिश का टेस्ट पास करके आए, जो स्टूडेंट्स हैं उसके ये ग्रेड हों इंग्लिश में, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे अगर मुल्क में आप आ रहे हैं तो हमारा निज़ाम को आपको इतना ना निज़ाम नहीं, कम्युनिकेशन गैप की वजह से उन्होंने ये रखा है कि आप अगर आए तो कम अज़ कम हमसे बात तो कर सकें, जो भी तालीम आपने हासिल कर दी। लेकिन हम ऐसा करते हैं कि हम अपना आप सब कुछ भुलाए चले जा रहे हैं, हम एयरपोर्ट पे भी जाते हैं तो हमसे इंग्लिश में ही बात होती है। सही है। तो ये सिलसिला है नाज़रीन, कल जो आलमी योम मादरी ज़ुबान था, क्योंकि कल का दिन योम विलादत था पाक इमाम के, तो फिर कल का हमने मौजू आज रखा था, और मकसद यही है कि जो हमारी मादरी ज़ुबानें हैं उनको हम क्यों बोलना छोड़ गए हैं। हमारी इवन माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को कुछ और ही ज़ुबान सिखा रही होती हैं, ऐसा एहसास कमतरी क्यों है, इसको नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। अपनी ज़ुबान पे फ़ख्र करना चाहिए, अपने पाकिस्तान पे, अपने इंडिया, ये जो भी हमारा खित्ता है, जहाँ पे यहाँ पे फॉर्म्स पे आप कहीं भी नौकरी लेने जाएंगे तो वहाँ पर लिखा होगा कि आपका पीछे बैकग्राउंड क्या है, किस इलाके से आप ताल्लुक रखते हैं, तो वो तो लिखना ही पड़ेगा। और मादरी जुबान की बात हो रही है तो यहाँ एक और मेडिकल साइंस ने एक रिसर्च की है कि जो माँ की आवाज़ होती है, मदर की जो आवाज़ होती है, वो डिप्रेशन को दूर करती है। तो जो लोग परदेश में हैं और उनकी माएँ कहीं और हैं, आपको कभी कोई डिप्रेशन हो रहा हो या परेशानी हो, दिल घबरा रहा हो, तो अपनी अम्मा को फ़ोन कर लिया करें और उनकी आवाज़ सुन लिया करें और उनकी ज़ुबान में, और उनकी ज़ुबान, तो ये डिप्रेशन को दूर करने के लिए बहुत बड़ा इस पर तहकीक हुई है कि माँ की आवाज़ से जो है वो डिप्रेशन दूर होता है। बिल्कुल। और एक ही दिन हम प्रोग्राम कर रहे थे, सुबह हिदायत थी, तो किसी सिख भाई का फ़ोन आ गया
वो कुछ टिप्स वगैरह लेना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं फलां इलाके से हूँ, मुझे बहुत आपका अच्छा लग रहा है, ठीक है मेरा मज़हब आपका मज़हब अलग अलग है लेकिन आपकी ज़ुबान में समझता हूँ, ज़ुबान का तो ताल्लुक है। तो ये बहुत अच्छी बात लगी उन भाई की कि बहुत सी वजूहत है मोहब्बत करने की या आपस में नज़दीक आने की, मज़हब फ़िरका इलाका कुछ भी वजूहत हो सकती हैं। अगर यहाँ वेस्ट में आकर आपको कोई पाकिस्तानी मिल जाता है, कोई इंडियन मिल जाता है अपनी ज़ुबान बोलने वाला, तो बहुत ही मज़ा आता है, दिल खुश हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। डिप्रेशन जैसे आप बात कर रही हैं, माँ के बाद कोई अपने यार दोस्त कोई इलाके का मिल जाए या कोई मुल्क का मिल जाए तो एक बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ भी होता है, खुशी होती है। तो इस चीज़ को, इस कल्चर को, हमारी ज़ुबान के कल्चर को भूलना नहीं चाहिए। आखिर में अगर आप कुछ कहना, आखिर में यही मैसेज, और इस मैसेज के अलावा कोई और दूसरा मैसेज हम नहीं दे सकते। जो लबैक या महदी की हमारी जो कंपेन जारी है, प्लीज़ आपसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। 313 का टारगेट हमें जल्द अज जल्द पूरा करना है, और जो अब तक शामिल हो चुके हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। इमाम ज़माना ही आपको इसका अजर देंगे, हम फ़कत ज़बान से आपका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। और तमाम नाज़रीन से जो लाखों करोड़ों मोमिनीन इस वक्त देख रहे हैं, फ़कत 313 की ज़रूरत है हिदायत टीवी को। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है इमाम ज़माना के नाम पे, जो आपका सुन रहे हैं, आपके साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे बड़ी परवरदिगार आलम की हम सब पर नेमत के हमारे वक्त के इमाम हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी हर मुश्किल हर परेशानी वो सुन रहे हैं, हमारे दिल का हाल जानते हैं। उनके लिए सिर्फ आपको 92 पाउंड निकालने हैं और उनके नाम पर डोनेट कीजिए, यही आखिरी मैसेज है। जज़ाकअल्लाह, और ये बहुत ही बड़ा मैसेज नाज़रीन, ये है हिदायत टीवी है, तो हम हर इशू पे बात कर सकते हैं, अपनी बात आप तक पहुंचा सकते हैं, आप अपनी बात दुनिया के तकरीबन 200 ममालिक तक पहुंचा सकते हैं, तो ये कोई बड़ी रकम नहीं है। कंट्रोल रूम में जो बहन भाई आप तक नशियत पहुंचा रहे थे, उन्हें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।